और पीछे है। और क्या कहना, किसी उद्योगपति का बेटा से लड़ता है, नक्सली सीआरपीएफ से लड़ता है, आईआरबी से लड़ता है। ये बात पूरे भारत में किसी लीडर को औकात नहीं है कि पब्लिक का मंच में बोलेगा। हम बोल रहे हैं, सुनो सुनो, पब्लिक मंच में बोल रहे, किसी को औकात नहीं है। नक्सली किससे लड़ता है? झारखंड पुलिस से लड़ता है, सीआरपीएफ से लड़ता है, आईआरबी से लड़ता है। यानी जो फोर्थ ग्रेड का नौकरी है, जो थर्ड ग्रेड का नौकरी है, क्यों लड़ता है? कब लड़ता है? जब किसी उद्योगपति को, अंबानी अडानी जैसे, टाटा बिरला जैसे लोगों को बस्तर में खनिज चाहिए, दंतेवाड़ा के जंगलों में लकड़ी चाहिए, गढ़चिरौली के जंगलों में खनिज चाहिए, इन लोग क्या करता है कि पहाड़ से वहां के लोगों को खाली की। पहाड़ में कौन रखता है? लोकल, आदिवासी बोलिए, मूलवासी बोलिए, वो लोग जमीन छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा? तब इन लोग बोलता है कि इन लोग को नक्सली बनाइए और सीआरपीएफ का गोली से मरवाइए। अरे कोई मरे, चाहे कोई सेना का जवान मरे, ये नक्सली इनकाउंटर में कोई नक्सली मरे, उसका बैकग्राउंड पता करना किसी की हिम्मत नहीं है बोलने का। वो एक किसान का बेटा होता है, या जितना पुलिस आए हैं सबका चेहरा और परिवार पता कीजिए, सब मिडिल क्लास फैमिली से। किसी का माँ बीमार होगी, किसी का बाप का किडनी खराब होगा, किसी का पत्नी बीमार होगी। राजगंज थाना में जितना पुलिस नौकरी करता है उसके घर का पता करो, माँ बीमार होगी, भाई का पढ़ाई छूट गया होगा, बाप को बीमारी होगा, पत्नी को बीमारी होगा, है कि नहीं? सब गरीब घर का बेटा है। लेकिन ये अमीरों की साजिश है कि जंगल में कब्जा करना। क्या गलत बोल रहे हैं? पारसनाथ में कब्जा शुरू हुआ कि नहीं? कौन शुरू किया? गरज के बोलते हैं गुजराती, गरज के बोलते हैं गुजराती। आज आया पारसनाथ का लड़का लोग, पीर चढ़ का है, आया है पीर चढ़ का लड़का लोग। इन लोग जब अपना जमीन बचाने जाएगा नक्सली और इनकाउंटर कर, किससे? मैं एक भाई से एक भाई को मरा दो। अरे जिला पुलिस मर जाए या नक्सली मरे, अंबानी अडानी उद्योगपति का बेटा मरता है क्या? किसी किसान का, किसी लाचार का, किसी बेबस का बेटा मरता है। आज चैलेंज करते हैं हम, मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं, अग्निवीर में कई बार पति का बेटा है, बताइए। आज मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं, अग्निवीर में कई बार पति का बेटा है। भले आपके लिए देशभक्ति लगता है, आपको भावना लगता है, लेकिन दिमाग से नहीं कभी सोचिए, मौका मिले तो। कभी दिमाग से सोचिए कि नक्सली आया कैसे। 1967 नक्सलबाड़ी का गांव, वहां मुट्ठी भर लोगों के पास सारा जमीन था और बाकी लोग वहां मजदूरी करते थे। क्या ये गलत नहीं था? जब इसी धरती में हम पैदा हुए हैं, इसी जमीन में मेरा मकान है, यही नदी मेरा है, तो बराबरी क्यों नहीं है? आज भारत में लोग बोलते हैं कि राजा राजवाड़ा है, कैसे? जब आजाद भारत हुआ राजाओं की संपत्ति भारत सरकार को लेनी थी कि नहीं? राजाओं की सारी संपत्ति भारत सरकार को लेनी थी और जरूरत के हिसाब से वितरण करना चाहिए था, क्योंकि कोई भी जमीन का टुकड़ा राजा की रानी नहीं बनाई है। किसान की पत्नी अपना साड़ी को यहां तक समेट के धान रोप के बनाई है। मैं चुनौती देता हूं, भारत के इतिहास को चुनौती देता हूं, दिखाइए हमको एक भी जमीन का टुकड़ा जिसमें राजा की रानी ने धान रोपा हो। फिर वो जमीन उसकी कैसे थी? वो सल्तनत उसका कैसे थी? राजा की रानी जब भी दिखी है सोने की हार में दिखी है, राजा की रानी जब भी दिखी है हाथ में तलवार में दिखी है या सोने की हार में दिखी है। किसान की पत्नी खेत में दिखी है, किसान की पत्नी खेत में दिखी है। मैं चुनौती देता हूं राजतंत्र को, मैं चुनौती देता हूं भारत के इतिहास को। राजा का देश है, राजा का देश है, राजा का देश है। कौन राजा पहाड़ काट के खेत बनाया है? कौन राजा की रानी धान लगाई है?
पहाड़ काट के हमारा पूर्वज बनाया है, ये केवल ब्रेन वॉश है, कोई राजा नहीं। हाँ, उसके पास तलवार था, गर्दन में रख के डरा के शासन किया। यानी अजय, झारखंड में नक्सली समस्या है तो नेताओं की देन है, आईएएस की देन है, बड़े बड़े आईपीएस की देन है, इन कंपनियों की देन है, इन फैक्ट्रियों की देन है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस दिन अगर हम लोग पहुंच गए विधानसभा या लोकसभा, जिनको आप नक्सली बोलते हैं ना, जिनके हाथ में बंदूक है ना, उनके हाथ में हम लोग हल और कुदाल थमाएंगे, ये हम विश्वास दिलाएंगे। पूछिए मीडिया वाले, किसी नक्सली को बोले ना कि कम से कम चेहरा ढक के इंटरव्यू दे। क्यों बने हो भाई, क्यों खून खराबा करते हो, क्यों गलत काम करते हो? हाँ मानते हैं नक्सली असंवैधानिक है, नक्सली लोग अपराधी है, मानते हैं। क्यों बना है मीडिया सवाल करे बुला के? मीडिया ने सवाल किया था व्योम वाले भैया, हाल फिलहाल एक नक्सली सरेंडर हुआ, उसे सवाल किया गया था, पूछा कि झारखंड की समस्या क्या है, उस नक्सली ने क्या कहा, जमीन का विवाद झारखंड की सबसे बड़ी समस्या। आप जमीन लूट रहे हो, आप पहाड़ लूट रहे हो। हाँ, गुजरातियों ने बारह साल पहाड़ लूट लिया, छाती ठोक के कहते हैं, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, उखाड़ लो। अरबों रुपया का कारोबार गुजराती करते बारह साल में, अरबों रुपया। और झारखंडी को क्या करता है भाई, झाड़ू पोछा दो चार को दे दिया और बोलता है एजुकेशन में काम किए, रोजगार में काम किए, शिक्षा में काम किए। कई को कलेक्टर बना मधुबन में झारखंडी, शिक्षा में काम किए ना भाई, कई को वीडियो बना। ये गंभीर समस्या किसी का हैसियत नहीं है कि सदन में उठा पाएगा। हम खुले मंच में कहते हैं, मेरा मैक्सिमम साथी लोग सीआरपीएफ बना, मेरा मैक्सिमम दोस्त लोग अभी इंडियन आर्मी अग्निवीर में जा रहा है, लेकिन लड़ेगा किससे? अगर बॉर्डर में तो ठीक है, वह आतंक से लड़ता है, अंदर किससे लड़ेगा? उसी से लड़ेगा जिसका जमीन है, आज वह किसान है, कल वही नक्सली कहलाएगा, कल वही नक्सली कहलाएगा। जमीन नहीं दोगे, नक्सली के नाम पे इनकाउंटर होगा। किसी भी, मैं कहूंगा मीडियाओं से, आप किसी का भी इंटरव्यू लीजिए, पारसनाथ फेमस है, मैं वहां के कारण बताता हूं। 1985 की घटना है, वहां के सेठ महाजनों ने लगभग 600 एकड़ जमीन आदिवासियों का ग्रहण किया था, कब्जा किया था। 2002 में हिंदुस्तान के पेपर में छपा था कि जो काम सरकार को करना था वो नक्सलियों ने किया। बताइए किसान किसकी ओर जाए? सारा जमीन धनी भजवा बंद कर लगी रहे, यहां तो टाइगर गरमा है। सारा जमीन सामान से छिनके, व्यापारियों से छिनके, गरीब लोगों में बांटने का काम किया था, ये हिंदुस्तान के पेपर में शायद 2002 में। जितने मैं दावे के साथ कहता हूं, राजगढ़ थाना में थाना प्रभारी से लेके हवलदार जमादार जितने हैं, जाइए उनके फैमिली को देखिए, सब किसी किसान का मिडिल क्लास का बेटा होगा। किसी की माँ ने अपना झुमका अपना कंगन गिरवी रख के पढ़ाया होगा, किसी के बाप ने अपना फसल बाजार में बेच के पढ़ाया होगा। राजगंज थाना में जितने भी अधिकारी हैं, अब जाइए पता कीजिए कि खेला कहाँ होता है, पता है? ये खेला सारा दिल्ली में होता है, क्योंकि दिल्ली में जो नेता जाता है कैसे जाता है? चंदा से जाता है, चंदा से जाता है ना, नेता चंदा से जाता है। चंदा कौन देते हैं? कंपनी। चंदा, चंदा आपने पढ़ा होगा, वेदांता ने कितना दिया, आदित्य बिरला ग्रुप ने कितना दिया, अडानी अंबानी के चर्चा मत कीजिए, उस पर आरटीआई नहीं कर सकते, मोदी सरकार का हुक्म। चंदा किसने दिया? वेदांता ने। अभी बोकारो में वेदांता आपने पढ़ा होगा, 155 करोड़ पढ़ा होगा, चंदा दिया वेदांता ने। वेदांता को क्या चाहिए? जमीन चाहिए मेरे दोस्त। सियार जोरी का लड़का लगाया है, पूछिए, सियार जोरी का लड़का, चंदवाहा का लड़का, मोदी डी का लड़का लगाया है, पूछिए वेदांता, किसी का 4 एकड़, किसी का 5 एकड़, और क्या मिला है? पूछिए, इंटरव्यू लीजिए,
आज बहुत कोई नहीं मीडिया लोग काट के मेरा मैन चलाता है कि जरा मातो नेता की नक्सली पूछिए, जिन्होंने नक्सली बनाया है लोगों को उनका इंटरव्यू कर लीजिएगा। हरिओम पवार की कविता थी, पता नहीं याद है कि नहीं, हम कोशिश करते हैं कि जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं हम उनके चरणों में अपने सर को धर सकते हैं, कि जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं हम उनके चरणों में अपने सर को धर सकते हैं, पर जिनकी भूख महासागर है, सॉरी जिनकी प्यास महासागर है, भूख पूरा हिमालय पर्वत, जिनकी लालच पूरा नील गगन है, दो कोड़ी की इज्जत है, उनके कारण ही अपराधी बनते हैं भोले भाले, डाकों को पैदा करते हैं नेता अधिकारी और पुलिस वाले, हम नहीं बोल रहे। और यहाँ पुलिस का संबंध आईएस आईपीएस से, जमादार थानेदार से नहीं, इन लोग बेचारे लोग सिस्टम क्या तो मजबूत है, पुलिस का संबंध और आईएस आईपीएस में भी उनसे है जिनका दिल्ली में 15 करोड़ का फ्लैट है, जिनका दिल्ली में 15 करोड़ का फ्लैट है उनसे है। बाकी जो ईमानदार है वो तो कविता में ही है कि जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं हम उनके चरणों में अपने सर को धर सकते हैं। आप सच्चे मन से सेवा कीजिए, हम आपका अभिवादन करेंगे।